पूज्य गुरुदेव, छपरा बिहार से कुमारी अर्चना जैन पूछ रही हैं गुरुदेव कि आध्यात्मिकता क्या है, इसे आम इंसान अपने जीवन में कैसे धारण करे जिससे मनुष्य का जीवन सफल बन सके, आध्यात्मिकता की साधना का आसान तरीका क्या है जिसे हम सभी धारण कर सकते हैं। देखिए, अध्यात्म शब्द क्या, आत्मने अधि अध्यात्म, आत्मदृष्टि के साथ जीवन जीना और जीवन में अंतर्मुखता की वृद्धि करना आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि आप सबसे दूर हो हट करके जंगल में बैठ जाएं। आध्यात्मिकता का मतलब यह है कि जीवन को असलियत को पहचानते हुए अपनी दृष्टि को अपनी आत्मा की शुद्धि की ओर केंद्रित करें, अपने वास्तविक स्वरूप को जानें और देह से भिन्न आत्मदृष्टि के साथ अपना जीवन जीने की कोशिश करें। यह आध्यात्मिक वृत्ति हर किसी के जीवन में आ सकती है बशर्ते उसके अंदर अध्यात्म दृष्टि हो, आत्मदृष्टि हो। तो वो जगह आपने पूछा है इसका सबसे सरल तरीका क्या है। आध्यात्मिक होने का एक ही सूत्र है, सबके बीच रहो, स्वयं में रमो, अपना विवेक जागृत रखो, हर पल केवल एक बात को अपने मन मस्तिष्क में अंकित करो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। यदि इतनी सी बात का ख्याल आपके मन में हुआ तो फिर आपको आध्यात्मिकता से कोई परेशानी नहीं होगी।